How to fix your account has been disabled in App Store and iTunes. Welcome back to new video. Right now many users are facing a problem in the App Store. Guys, यहाँ पे जो है App Store में एक problem देखने को मिल रही होगी आपको. जैसे आप किसी भी app को install करने जा रहे हैं तो आपके सामने एक pop-up देखने को मिल जाता है, that is your account has been disabled in the App Store and iTunes. So, कैसे आप इसको fix out कर सकते हैं? आपको इसके लिए किसी भी service center visit करने की नीड नहीं है. Just आप simple सा process follow करें जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है. दोस्तों ये प्रॉब्लम तभी आती है अगर आपने जो है बाई चांस अपने आईफोन को रीसेट किया होगा कभी ना कभी, या फिर आईट्यून से कनेक्ट किया है, और या तो फिर हो सकता है कि आपने आईडी को लॉग आउट करके कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डली है आपके आईडी की जो बिलिंग इन्फॉर्मेशन है डेट साइड. ठीक है, सो डोंट वरी, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कैसे आप फिर से इसको फिक्स आउट करके नॉर्मली अपने ऐप स्टोर को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है. जस्ट यहाँ पे सबसे पहला काम वो करना है कि आप जाएँ अपनी आईफोन की सेटिंग्स में, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली जाते हैं अपने ऐप स्टोर पे. और ऐप स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल देखने को मिलेगी, इसके ऊपर आप क्लिक करें. क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन. तो आपको अपनी एप्पल आईडी पे क्लिक करना है. एप्पल आईडी पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हो सकता है कि आपको अपनी पासवर्ड एंटर करना पड़े. तो जैसे ही आप सभी यहाँ पे अपनी एप्पल आईडी का पासवर्ड एंटर कर देते हैं, अब आपके सामने इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आ जाती है. एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगी, डैट इज़ कंट्री एंड रीजन. जी हाँ दोस्तों, कई बार हम अपने आईफोन में ऐप स्टोर पे कंट्री एंड रीजन को चेंज करते टाइम बिलिंग एड्रेस जो है गलत फिल कर देते हैं. तो इसके चलते आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है. मेक श्योर कर लो कि आपने सही इन्फॉर्मेशन फिल करी है. बाय द वे दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास जो क्रेडिट बैलेंस है डेट्स है, यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बैलेंस है. आपको यहाँ पे आएगा कंट्री एंड रीजन, नेम, सब आप प्रॉपर फिल आउट कर लेना, अपना नंबर एंड कंट्री कोड, एवरीथिंग यू हैव टू फिल प्रॉपर एंड करेक्ट. ठीक है, तो जैसे आप फिल कर देंगे उसके बाद दोस्तों सेकंड क्या करना है, आपको अपनी आईफोन की जो है इस तरीके की सेटिंग्स के ऊपर जाना है. सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ से आपको अपने आईफोन पे एप्पल आईडी पे क्लिक करके यहाँ से साइन आउट करना है. जी हाँ गाइस, आपको ये अपनी एप्पल आईडी को साइन आउट कर देना है. साइन आउट करने के बाद जस्ट वेट करना है 5 to 10 मिनट. उसके बाद दोस्तों अपने आईफोन में दोबारा से एप्पल आईडी को लॉगिन करना है. थर्ड क्या करना है वो है कि आप जाएँ इस तरीके से एप्पल आईडी पे जाने के बाद यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है. इसके बाद यहाँ पे आप जो अपने आईफोन का एप्पल आईडी में जाकर पासवर्ड भी चेंज करें. जी हाँ दोस्तों, पासवर्ड चेंज करें, यहाँ पे जाएँ चेंज पासवर्ड पे क्लिक करें एप्पल आईडी का. यहाँ पे आपको जाना है एंट्री योर आईफोन पासवर्ड, आईफोन का पासवर्ड एंटर कर दें. उसके बाद अपने आईफोन में जो भी आपने एप्पल आईडी के लिए पासवर्ड रखा है उसको रीसेट करें, चेंज करें. तो यहाँ पे टोटल आपको 3 स्टेप फॉलो करना है. फर्स्ट आपको जाना है अपने आईफोन की कंट्री रीजन में, वहाँ पे चेकआउट करना है, बिलिंग एड्रेस करेक्ट होना चाहिए. सेकेंड है कि आपको अपने आईफोन का जो एप्पल आईडी है उसका पासवर्ड रीसेट एंड चेंज करना है. थर्ड है कि आप अपने आईफोन को फोर्स रीस्टार्ट करें. उसके लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, देन प्रेस एंड होल्ड डाउन दिस बटन, कीप होल्ड, जब तक यहाँ पे आपको एप्पल लोगो देखने को ना मिल जाए. गाइस आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही आपको एप्पल लोगो देखने को मिल जाता है, अब आप इस वाली बटन को रिलीज करते हैं, आपका आईफोन फोर्स रीस्टार्ट हो चुका है. अब आपका आईफोन प्रॉपर वर्क करेगा. क्लिक ऑन द ऐप स्टोर, तो यहाँ से आप इंटरनेट ऑन कर लें. ओके गाइस, अब यहाँ पे जाएं तो किसी भी ऐप को इंस्टॉल करके दिखा देते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम जाते हैं यहाँ पे इस वाली गेम को. ठीक है, तो चेकआउट करेंगे कि एप्लीकेशन डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है और यहाँ से प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी. ठीक है, मैं आपको शो कर देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल होना शुरू हो चुकी है. सो दिस इज अ सिंपल फिक्स, यू कैन फिक्स दिस प्रॉब्लम फ्रॉम योर होम. सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस.